हरियाणा के सिरसा के रहने वाले सिख युवक की न्यूजीलैंड में हत्या का मामला सामने आया है। आरोपी के मृतक के साथ काम करने वाली एक महिला ने चाकुओं से उसकी हत्या की। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के परिवार वालों ने विदेश मंत्रालय से हरदीप के शव को भारत लाने की गुहार लगाई है। बैंक ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक गांव को गोद लिया है। 3000 की आबादी वाले आदर्श पहले गांव में अधिकतर लोग किसान हैं। बैंक ने गांव के 1500 लोगों के सेविंग अकाउंट खोलकर डेबिट कार्ड दे दिए हैं। बैंक अब दुकानदार को स्वाइप मशीन दे रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में फारूक अब्दुल्ला डांस करते हुए दिख रहे हैं। बिहार के गया में 3 जनवरी से शुरू होने वाले कालचक्र पूजा पर नोटबंदी का असर दिख रहा है। आयोजकों के मुताबिक इस बार पूजा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफी कमी दर्ज की गई है। पटना में गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव के मौके पर शहर भर में साफ सफाई का खास ध्यान रखा गया है। कंगन घाट को इन दिनों मुंबई मरीन ड्राइव की तरह तैयार किया गया है। बिहार के पर्यटन विभाग की ओर से बनाया गया घाट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पटना साहिब में बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग ने विरासत यात्रा की शुरुआत की है। इसका मकसद गुरु गोविंद सिंह के जीवन से जुड़ी बातों को लोगों तक पहुंचाना होगा। तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा कल पटना पहुंचे। दलाई लामा बुद्ध स्मृति पार्क पहुंचे, जहां उनका स्वागत बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया। दलाई लामा ने नीतीश कुमार के साथ विशेष पूजा में हिस्सा लिया। बेंगलुरु में कल रविराज नाम के एक बैंक कर्मचारी ने कथित तौर पर सुसाइड कर लिया। रविराज का शव विवेक नगर में उनके घर से मिला। हालांकि सुसाइड की वजह साफ नहीं है। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट ने सहमति दी है कि 17 जनवरी से 7 फरवरी तक झारखंड विधानसभा का बजट सत्र होगा। 23 जनवरी को सदन में बजट पेश होगा। बजट सत्र में 16 कार्य दिवस होंगे। भोजपुरी को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की कयावत के तहत बनारस में 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक विश्व भोजपुरी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन आज शाम को होगा। सम्मेलन में मॉरिशस के प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ, अमिताभ बच्चन, यूपी के सीएम अखिलेश यादव समेत कई जाने माने लोग शामिल होंगे।